हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एंड आज की वीडियो भी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मेरा जो टैब है इसके अंदर भी एंड्रॉइड 13 चल रहा है। एंड आज की वीडियो में इस वाले टैब को अपडेट करेंगे और इसके अंदर एंड्रॉइड 14 को डाउन करेंगे। एंड बहुत सारे ये भी कमेंट कर रहे थे कि अगर हम अपने टैब को अपडेट कर लेंगे तो क्या उसमें कटरा आ जाएगा या फिर सेफ मोड रहेगा, तो इसका भी आपको सर मिल जाएगा। और दोस्तों, एंड्रॉइड 14 के अंदर काफ़ी सारे न्यू फीचर भी आते हैं, तो वो भी जानेंगे इस वाले वीडियो में पूरे कवर करने वाला हूँ कि कौन से अगर आप एंड्रॉइड 14 को कर लेंगे तो क्या आपको कौन से नए फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर आपको एंड्रॉइड 14 वाली अपडेट को नहीं करना है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको इस वाली अपडेट को करना है या फिर नहीं, तो आपको इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड इस वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा अपडेट आपको कैसे करना है, और अगर बीच में कटर वगैरह आ जाएगा तो उसको कैसे आपको रिमूव करना है इस वाले टैब के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसको अपडेट करने वाले हैं। एंड अब इसके अंदर सेफ मोड से मैंने यहाँ पर सभी ऐप इसके अंदर चला रखे हैं, तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसको यहाँ करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, मैं किस तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये मेरा टैब है जिसके अंदर यहाँ पर सेफ मोड मैंने डालकर और यहाँ पर नॉर्मल कर रखा है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिंपल सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल, और यहाँ से मैं इस वाली अपडेट को जो भी यहाँ पर अपडेट आई हुई है इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल अपडेट पहले से डाउनलोड कर ली थी, अब मैं सिंपल से इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा। तो नीचे में यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि जब भी आपको मन चाहे तब आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो अब मैंने यहाँ पर सिंपल से इंस्टॉल करनी है, तो मैं पहले इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो अपडेट है इससे मेरे टैब के अंदर एंड्रॉइड 14 नहीं आने वाला, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे एक और अपडेट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे टैब के अंदर एंड्रॉइड 14 आने वाला है। तो अब इसके बाद मैं एक और अपडेट करूँगा, एंड पहले इस वाली अपडेट को हम होने देते हैं। तो ये वाली अपडेट छोटी थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगी। एंड इसके हमें अपडेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग यहाँ पर आने वाली है, तो आपको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम आपको आधा घंटा इसको करने में लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहले आपका जो फ़ोन है उसके अंदर ये सैमसंग का कुछ ऐसा लोगो आ जाएगा। सैमसंग के लोगो आने के बाद यहाँ पर आपके वन यूआई की जो प्रोसेसिंग होती है फिर वो स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं वन यूआई की प्रोसेसिंग ये वाली स्टार्ट होगी, फिर आपका यहाँ पर ऐप रिपेयर होगी, उसके बाद आपका जो टैब है वो यहाँ पर रिस्टार्ट होगा, फिर आपका टैब दोबारा से ओपन होगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दूँगा, एंड मैं आपसे मिलता हूँ जब ये टैब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोसेसिंग थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है पूरी, एंड ये वाली जो प्रोसेसिंग है ये भी 100% हो चुकी है। तो भी आप देख सकते हैं मेरा जो टैब है ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, एंड अभी पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी अपडेट हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत ही देर लगेगी इसको सही से ओपन होने में। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर आ गई है। तो अभी हम इसको यहाँ पर ओपन करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अभी ये ओपन हो रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारा टैब यहाँ पर ओपन हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लैग है अभी इस टैब में। तो जब लैग भी यहाँ पर बंद हो जाएंगे तभी हम इसको सही से ओपन कर पाएंगे। तो अभी मुझे दोबारा से इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, तो अब दोस्तों हमारा टैब बिल्कुल सही यहाँ पर ओपन हो गया है। एंड अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने टैब को ओपन किया यहाँ पर आ गया है नोक्स मैनेज, तो इसको मैंने यहाँ पर आपको हटाने का तरीका बताया था। मल्टी स्क्रीन से आपको बीच वाला यहाँ पर प्रेस कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये छोटी स्क्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देना, तो आपका ये बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से हट जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टैब यहाँ पर सही तरीके से ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी आप देखते हैं तब मेरा टैब वो ज़्यादा लैग हो रहा था, इसलिए अब मैं आपको टैब ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो उस टाइम दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मेरा टैब ज़्यादा लैग हो रहा था इसलिए मैंने ओपन किया है। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली अगर आप अपने टैब को अपडेट करते हैं। तो अब मैं वो आपको सिंपल सेटिंग में चलकर दिखा देता हूँ कि अभी मेरे टैब के अंदर कौन सा एंड्रॉइड वर्जन रन कर रहा है। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें 14 यहाँ पर नहीं आया होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक अपडेट और आनी बाकी है। दो से अपडेट को हम अभी करेंगे एंड फिर देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर एंड्रॉइड 14 के अंदर कौन से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो भी आप देखते हैं मैं गया अबाउट में, एंड यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा कि आपके टैब के अंदर कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। तो अभी आप देखते हैं इस वाले टैब के अंदर है एंड्रॉइड वर्जन 13, तो इसको अब हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने एक अपडेट को पूरा किया है तो भी इसके अंदर जो सेकेंड वाली अपडेट है वो नहीं आई है। जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिल जाता है,
तो उस पर भी मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ मुझे एक एरर आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे में एक एरर आ जाएगा, तो इसलिए ये आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको अपडेट किया है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे एंड फिर देखते हैं ये होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर जो नई अपडेट है वो आ चुकी है। एंड ये वाले जो अपडेट है ये करीब करीब 1500 MB की है, मतलब कि 1.5 GB के आसपास की है। एंड ये वाले जो अपडेट है ये है 1UI 6.0 की, मतलब कि इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे टैब के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा Android 14 एंड वो सारे फीचर्स हमारे टैब के अंदर आ जाएंगे जो कि Android 14 में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वाले टैब को अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए जब भी ये यहाँ पर डाउनलोड होगी तो उस वाले यहाँ पर चीज़ को मैं स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मैंने इस वाले अपडेट को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो मैं सिंपली से यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपल से इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होने वाली है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस वेट लिखा आएगा, उसके बाद हमारा टैब यहाँ पर हो जाएगा रिस्टार्ट वाले मूड में, तो भी ये बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इसको अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए मैं अपने जो वीडियो है इसकी स्पीड को थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आप यहाँ पर जब ये ओपन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉइड 14 के अंदर आपको कौन से नए फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मेरा जो टैब है यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद इसके अंदर ऐसा यहाँ पर ऑप्शन आया है, तो अब की बार मेरे टैब के अंदर यहाँ पर ओपन होने के बाद कटर वगैरह कुछ नहीं आया, बस ये आया वेलकम टू 1UI। यहाँ पर आपको सिंपली से एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और भी कुछ यहाँ पर स्टेप आएंगे, तो उनको भी यहाँ पर आपको टिक करते चले जाना है। नेक्स्ट पर आपको दोबारा से फिर क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप पर क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर गो टू होम स्क्रीन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इन पर क्लिक कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे टैब यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से ओपन हो चुका है। एंड अभी ये लैग है तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पर आपको चेंजेस आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा समय हो गया इसको अपडेट करने के बाद, एंड अभी जो ये टैब है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर लैग फ्री यहाँ पर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है टैब। एंड इसके अंदर अगर हम अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलकर आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड 14 अभी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी आप देखते हैं ये है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 जिसके अंदर आपको काफ़ी सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड अभी आप इसका कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, पहले जो कंट्रोल सेंटर है वो काफ़ी यहाँ पर सिंपल सा था, लेकिन अब की बार जो कंट्रोल सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे नए नए फीचर्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छी लगी और आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता है। एंड नीचे में आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है प्लीज़ इसको दबा देना, क्योंकि इसको दबाने से हम जो भी नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। एंड अगर आपके पास भी गवर्नमेंट टैब है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स और न्यू ट्रिक्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। मास्टर में तुम नेक्स्ट वीडियो को लेकर तब तक करीबा बैठा, बाय बाय।